टूट की कगार पर सलमान और कबीर की दोस्ती। बॉलीवुड की दो बड़ी हस्तियों के बीच हाल ही में पैदा हुई दूरियां आजकल सुर्खियों में हैं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के दबंग सलमान और जाने माने फिल्म निर्देशक कबीर खान की। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान और कबीर खान की राह एक दूसरे से अलग हो गई है। दोनों के बीच पहले जैसा कुछ नहीं रहा, यहाँ तक कि दोनों के बीच बातचीत भी बंद हो गई है। इन दोनों की जोड़ी के टूटने की खबरों से फैंस को गहरा धक्का लगा है। खबरों की माने तो फिल्म ट्यूबलाइट के रिलीज के बाद से दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। ट्यूबलाइट की शूटिंग के दौरान सलमान और कबीर खान के बीच किसी बात पर मतभेद शुरू हुआ, जो बढ़ता ही चला गया। मतभेद के चलते दोनों के बीच झड़प भी हुई और ये देख फिल्म की क्रू भी हैरान रह गई। सुनने में ये आया है कि ट्यूबलाइट के सेट पर सलमान के दिए सुझाव को कबीर नहीं मानते थे, इसी वजह से दोनों में नोकझोंक होने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान से झगड़े पर कबीर खान से जब सवाल किए गए तो उन्होंने हंसकर टाल दिया। इसके बाद जब टाइगर जिंदा है के लिए अली अब्बास जफर को साइन किया गया, तब कबीर भी समझ गए कि सलमान और उनके बीच अब पहले जैसे रिश्ते नहीं रहे। चर्चा यह भी है कि सलमान कबीर खान की जगह अब अली अब्बास जफर को दे चुके हैं। बता दें कि अली अब्बास जफर सलमान के सुझावों को प्रमुखता देते हैं और उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। अली और सलमान ने मिलकर सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी हिट फिल्में दी हैं। सलमान और अली मिलकर अभी फिल्म भारत बना रहे हैं। ये फिल्म हिट हुई तो दोनों का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। खबरों की माने तो कबीर एक फिल्म पर काम कर रहे हैं। कबीर ने इस फिल्म के लिए सलमान को अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने कबीर को मना कर दिया है। चर्चा यह भी है कि कबीर अपनी अगली फिल्म पर रणवीर के साथ काम कर रहे हैं।